वालेकुम मैं इधर अज़र और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज कल रात को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों तो हुई शिकस्त और एक बहुत मायूस कुन बैटिंग डेमस्ट्रेशन हमें देखने को मिली ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले पन, पहले आधे पौने घंटे तक यही लग रहा था बल्कि घंटे तक यही लग रहा था कि पाकिस्तान विल कम आउट विक्टोरियस अगेंस्ट श्रीलंका अ ब्लेजिंग स्टार्ट बाय द बॉलर्स एंड देन उसके बाद श्रीलंका के लोअर मिडल ऑर्डर ने कंसोलिडेट किया एंड देन दे एंड अपोर ऑफ वन सेवेंटी वन जहां पर एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान शुड एंड कुड रिस्ट्रिक्ट देम To a score of around 120. But after that Pakistan, that fielding may uh, uh, drop chances away and batting came to batting So, we will not use batting. Hats off to Sri Lanka, they are the new champions of Asia, and hats off to this young team led by Dasun Shanaka and under the tutelage of. क्रिस सिल्वरवुड आज हम कोशिश करेंगे कि इस मैच के रिव्यू भी दें और उसके अलावा स्ट्रैटी में कहाँ पर डिफरेंस था उस पर बात करें लेकिन सबसे पहले मैं तारफ कराता चलूँ रिहानुल हक का रिहान आई एम so सो सॉरी मैं इतना ज़्यादा इमोशनल स्टार्ट में गया था कि मैं इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया लेकिन रेहान फर्स्ट ऑफ ऑल हैथस ऑफ टू दिस यंग श्रीलंकन टीम एन एक्साइटिंग टीम मतलब देखने का आपको मजा आ रहा था और वही मैंने पहले भी बात की जिस तरीके से वो अपना पहला मैच हला मैच थे जिन सर्कमस्टांसिस में वो ये टूर्नामेंट खेल रहे थे आई डोंट थिंक एनी वन हैड इट इवन इन द बैक ऑफ देयर माइंड दे वुड कम आउट विक्टोरियस इन दिस टूर्नामेंट एब्सोल्युटली जिस तरह की उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं और दूसरा जिस तरह का उनका पहला ओपनिंग मैच रहा था दी अमाउंट ऑफ चेंजेस दे हैड कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट तो ट्स ऑफ टू श्रीलंका और उनके मुल्क में जो हो रहा है एवरी वन नोज अबाउट इट उसके बाद टू राइज द वे दे डेड डिजर्व डिजर्व अ लॉट ऑफ प्रेज श्रीलंका की जो अप्रोच थी कल द पिटेक्यूलर थिंग अबाउट दैट इज कि फिफ्टी एट पर उनके पांच आउट थे जब मैच के एंड के ऊपर भी वो जो राजा पक्सा का इंटरव्यू था और उसके बाद जो डिस्कशन भी हुई श्रीलंका थ्रू आउट दिस ट्रॉनमेंट नॉट जस्ट दिस मैच दे वर हैप्पी कि हम अगर एक सौ दस एक सौ पंद्रह पे ऑल आउट भी हो जाए दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्ले तो 58 फॉर 5 के बाद भी उन्होंने चांसेस लिए। उन्होंने स्पिनर्स को अटैक करने की कोशिश की पेसर्स को हसनैन के तीसरे ओवर में दे टुक द अटैक टू हसनैन एज वेल द थिंग हेयर इज़ के काफ़ी दफ़ा क्या होता है जब आपके पाँच आउट हो जाते हैं तो टीम्स क्या करती हैं के टीम्स ट्राई टू प्ले आउट द ट्वेंटी ओवर्स श्रीलंका न्यू कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन 110 हंड्रेड एंड टेन ऑल आउट एंड वन थर्टी फॉर सिक्स आफ्टर ट्वेंटी ओवर्स सो दे वेंट आउट वो टैक कि हम एक सौ साठ के ऊपर जो है वो टारगेट ले जाए एक सौ पचपन एक सौ साठ हो जाता फिर भी जिस तरह वो खेले हैं कैचेज अगर पकड़े भी जाते तब भी

और देर एवरेजेज और देयर स्ट्राइक रेट्स इट इज़ अ कंबाइंड टीम एफर्ट एंड द टीम एफर्ट उनका शो होता है कि जिस तरह उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी वन एंड का काम था कि वो प्रोटेक्ट करे विकेट दूसरे एंड से मारना था एंड हु एवर गॉट आउट जो नया बंदा आ रहा था वो पिछला वाला जो आउट होकर जा रहा था उसका रोल रहा था एंड दी अदर वन वज कंटिन्यूइंग डूइंग वट देवर सपोज टू डू सो दी द प्लानिंग फ्रॉम श्रीलंका दे बेसिकली

या एटलीस्ट प्रेजेंटली नहीं है देर प्रोबेबली बी सुपर स्टार्ज ऑफ द फ्यूचर तो आई थिंक टू ड्रॉ पैरेल विद द ट्वेंटी सेवेंटीन चैम्पियंस ट्रॉफी परफॉर्मेंस फॉर पाकिस्तान द वे ईच एंड एवरी वन केम आप एंड गॉड काउंटेड विद हसन अली बीन अ कंसिस्टेंट फैक्टर विद द बॉल जो हसन आंगा का पैरेल है खैर ये तो uh, बात चल रही है लेकिन थोड़ा सा रिहान अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल टूर्नामेंट में भी बात करें तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को कुछ बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स भी मिले हैं पाकिस्तान की विन अगेंस्ट इंडिया वॉज अ मैसिव हाईलाइट द मैच ओवरऑल अगेंस्ट अफगानिस्तान वॉज अ हाईलाइट फॉर अस एज वेल नसीम शाह वॉज मेकिंग इज डेब्यू इन द फर्स्ट मैच और नसीम शाह की परफॉर्मेंस थ्रू आउट शादाब नवाज की पेयरिंग जबरदस्त रही uh, लेकिन हमने पहले भी एक शो में कहा था मैं फिर कह रहा हूँ कि ये विंस तो होती रही लेकिन दे वर पेपरिंग ओवर द क्रैक्स दैट दैट वर देयर ऑब्वियसली द मेजर क्रैक्स बीन कि आपका टॉप ऑर्डर रिजवान वॉज गेटिंग रंस लेकिन द फैक्ट वॉज कि आपको ना वो फ्लो में नज़र आए उसके अलावा जो आपका टॉप ऑर्डर है उसके अंदर भी आपको मतलब अलॉट पीपल वर आउट ऑफ फॉर्म सो लेट्स वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान टूर्नामेंट इन द होल लेकिन जरा इस मैच की तरफ चलते हैं वापस चलते हैं आपने बात पॉइंट आउट की कि फिफ्टी एट फिफ्टी आट फॉर फाइव था श्रीलंका पहले तो जरा थोड़ा सा यहाँ पर टैक्टिक्स वाइज पर आके बात करते हैं जब ये वाली सूरत हाल थी एंड राजा पक्सा के एम ऑन हमने एनालिटिक्स भी देखा वह सारा कुछ है बल्कि हमने देखा भी कि राजा पक्सा हैड अ मैसिव स्केयर वेन दैट यॉकर केम इन एज वेल क्या आपको नहीं लगता कि बाय नॉट गिविंग अनदर ओवर टू वन ऑफ द थ्री सीमर्स वी लेट द प्रेशर ऑफ बिट देखिए सीमर्स का जब आपका तीन सीमर्स हों तो आप अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि यू you नो know, आपके डेथ ओवर्स के अंदर जो है वो पाँच से छः ओवर आपके सीमर्स के बचने चाहिए तो आप दो दो ओवर करते हो फिर आप दरमियान में एक ओवर निकाल जाते हो ताकि पाँच ओवर बच जाएँ द थिंग हेयर इज एंड दिस दिस मेरे लिए बहुत स्ट्राइकिंग थी हमने इस शो पर भी पहले बात की थी जब हम प्रीव्यू रहे थे कि राजा पक्सा के अगेंस्ट सबसे अच्छा बॉलर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर ठीक है पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ दी बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ठीक है आपने इफ्तार को ओवर दिया इफ्तार ने विकेट निकाल ली ओवरऑल इफ्तखार के तीन ओवर्स में नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे आपको इक्कीस बाईस रन देकर उन्होंने एक आउट किया लेकिन अगर राजा पक्सा नहीं आउट होते तो वो तो स्कोर करेंगे सो हाउ डू यू गेट हिम आउट द बेस्ट वे टू गेट राजा पक्सा आउट इज अगे लेफ्ट आर्म स्पिन और उसकी वजह तो राजा, राजा राजा बता देना पक्सा राज गिविंग दिस स्टेटमेंट कि बेस्ट मैचअप लेफ्ट आर्म था तो जो हमारा शो देख रहे हैं उनके उनके बेनिफिट के लिए थोड़े से uh, राजा पक्सा की लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट एवरेज सोलह की है और उनका स्ट्राइक रेट एक का है किसी और बॉलिंग टाइप के खिलाफ उनका इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं वो लेग स्पिन भी बेहतर खेलते हैं ऑफ स्पिन भी बेहतर खेलते हैं पेस तो वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं और, और अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा भी होता अच्छा भी होता तो कल एक वो यूनिक सिचुएशन थी कि आपको डेड सेंटर विकेट मिली हुई थी जहाँ पर डायमेंशन yes. वाला एक एलिमेंट नहीं था जो हम हर शो में बात करते हैं और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि यार आप देखिए आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है कौन ही बिफोर दिस मैच एंड आई थिंक इवन बाई द एंड ऑफ दिस मैच ही वॉज योर हाइस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट इन दैट वॉज नवाज एंड यू चोज नॉट टू बोल हिम आउट विच वॉज बैफलिंग आई अंडरस्टैंड कि इफ्तखार ने एक बहुत इकनॉमिकल स्पेल किया और मतलब ठीक है वो यही कहेंगे यार पिछले जो में तो कह रहे थे इफ्तखार कोई दिल से बॉलिंग कराओ अब अपने तीन ओवर भाई हमारा मतलब ये भी नहीं था कि नहीं, आप किसी और के मतलब जो समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी वर्किंग यू डोंट ट्राई टू नहीं आप करवाएं इफ्तार से ओवर कोई इशू नहीं पहला ओवर करवाया ठीक है इट कम्स ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि अक्सर वो होता है कि अक्सर ये लोग सोचते हैं कि इफ ए वन थिंग इज़ वर्किंग तो कंटिन्यू डूइंग इट ठीक है लेकिन वो सैम्पल साइज़ कितना एक ओवर का आपके पास नवाज़ का सैम्पल साइज़ बहुत पूरे टूर्नामेंट का, का है, राजा पक्सा के पूरे करियर का सैंपल साइज आपके पास के वो लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं अच्छी खेलता ठीक है आप इसमें ना मैं किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकता इसमें ओवरऑल प्लानिंग जो है उसकी गलती है ओवरऑल प्लानिंग के अंदर आपकी सारा जो थिंक टैंक है वो शामिल होता है आपकी सारी जो मैच से पहले प्लानिंग होती है उसमें ये डिस्कस होना चाहिए कि यार उनकी टीम का सबसे डेंजरस ये तीन चार प्लेयर है इनके अगेंस्ट कौन सा बॉलर टाइप है जो विकेट ले सकता है एंड नवाज वाज दैट गाय अगेंस्ट राजा पक्सा जब नवाज को ओवर मिला तो इवन देन ही बोल्ड रियली इकोनॉमिकल ओवर जिस स्टेज के ऊपर वो आया हालांकि वो अटैक कर रहे, रहे थे लेकिन इट इज़ बैफलिंग के यू नो यू इफ़ इफ वन थिंग वर्कस एक आपका पार्ट टाइम बॉलर अगर एक विकेट ले जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसको चार ओवर ही दे दें दे या तीन ओवर दे दें और दूसरे एंड से अगर आपको लग रहा है कि शायद आपके दो ओवर हो गए उस आप दूसरे एंड से नवाज को ट्राई कर लें आई एम नॉट से इफ्ती को शायद ना कराना कराना चाहिए आप उस एंड से ट्राई कर लें एज एज यू मैंशन के बाउंड्री की जो डायमेंशन थी वेम थी लेग साइड की राउट साइड की वो लेफ्ट ईज एंड राइट इज तो आप वो ट्राई कर सकते हैं एंड दूसरी चीज़ ये के दूर ना जाएं चलें छोड़ दें आप लेफ्ट लेफ्ट आर्म वो जो एक वो जो सोच है लोगों ने बना लिए जबान में कि जी लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर जो है वो मारी खाएगा ऐसा नहीं होता वो मैचअप्स आपको देखने पड़ते आप हैं आप अपना ही इंडिया का मैच देखें हाँ दूसरा यार पिछला मैच देख लो नवाज बोल्ड एक्सेप्शनली वेल टू राजा पक्सा और एक स्टम्पिंग मिस हुई और उसके अंदर यू ही डिड हैव ट्रबल फेसिंग हिम तो आप दूर किधर जाना पिछले मैच की एग्जाम्पल ले लो सो आई मीन दोज आर दोज आर थिंग्स इंडिविजुअली सबसे गलतियाँ होती हैं ठीक है अगर समन बोल जाओ बैड बॉल हो जाती है गलती अगर सामन हैज़ अ बैड डे विद अ बैड के उसकी इनसाइड एजला के बोल्ड हो गया उसने शॉर्ट मारने की कोशिश की आउट हो गया सबके साथ होता है पर प्लानिंग के अंदर एरर्स जो हैं दैट दैट इज इज कंसर्निंग एंड ये अभी नहीं है आपके देखिए आपकी आपका प्लान वाजे होना चाहिए एग्जीक्यूशन तो मतलब एवरीवन इज़ आई मीन एवरी वन ह्यूमन देयर तो एग्जीक्यूशन में ऊँच नहीं छोड़ सकती है लेकिन आपका प्लान नजर है। तो आए ना थोड़ा सा पाकिस्तान की फील्डिंग पे भी बात करेंगे क्योंकि आई uh, के आई एम फुली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट के कई दफ़ा हमें कहा भी जाता है कि यार मैं मुल्तान के प्लेयर्स uh, को डिफेंड कर रहा हूँ या मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ uh, नहीं कर रहा सिमिलरली आप पर इस्लाम आबाद के प्लेयर्स का तो खैर uh, मेरे पी एस एल ज्वाइन करने से पहले हाँ। का ये सिचुएशन uh, चल रही है uh, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट द फील्डिंग

आपकी कम्युनिकेशन ऑन द फील्ड बेहतर आई नो दर इज अ लॉट ऑफ क्राउड दर अ लॉट ऑफ शाउटिंग आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही होती बट ओवरऑल जो है आपको वैन एवर समिसपन्स टेक अ डीप ब्रेथ टेक योर टाइम टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड यू नो यूल बी फाइन आई फील के दिस आइडिया ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ग्रेट ठीक है बट एट द एंड ऑफ द डे आई कीप कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मर्जी ले लें एक बंदे ने कोई आपको एक बंदा आपको रफली बीस में से एक मैच जिता देगा इट इज़ द टीम दैट ऑलवेज विन्स सो द टीम कम्स फर्स्ट एंड यू नीड टू रियलाइज दैट एंड आई फील के इवन वो फखर के साथ जो मिस फील्डिंग वाले एरर्स होते हैं ही इज़ अ वेरी सेफ आउट फील्ड वेरी सेफ आउट ठीक है तो दोज थिंग्स नीड टू बी लुट एट एंड वर्क ऑन ठीक है ये अगर आप इस पर काम करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इट इज़ नॉट के इट्स डूम एंड ग्लूम के बेहतर नहीं होगा सो दीज थिंग्स नीड टू बी वर्क ऑन एक कॉन्वर्जेशन ओपन कॉन्वर्सन इसके ऊपर होनी चाहिए एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन yeah. होने की सख्त जरूरत है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन और भी बहुत चीज़ों पर होने की जरूरत वक्त हो रही है ब्रेक की एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग पर बात करेंगे क्योंकि आपके भी जो ट्वीट आएंगे आपके भी जो सवाल आए हैं सारे पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर हैं सो वी विल लुक एट पाकिस्तान बैटिंग ऑन द होल इन दिस टूर्नामेंट एंड ट्राई टू एनालाइज वेयर Things went wrong. There is sports town, we'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एशिया कप फाइनल की और हमने ज्यादातर नज़र या ज्यादातर फोकस पहले सेगमेंट में किया पाकिस्तान की बॉलिंग पर और पाकिस्तान की फील्डिंग पर और वहां पर क्या गलतियां हुई हमने श्रीलंका की स्ट्रैटेजी पर भी बात की अब जरा चलते हैं द बिग एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज नॉट मी पाकिस्तान बैटिंग और इस पर क्योंकि पूरे टोनमट टोनमट में ही थ्रू आउट पाकिस्तान की बैटिंग को तनकीद का निशाना बनाया गया और हमने भी बल्कि कहा कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं काफ़ी ज़्यादा जगहों पर पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन क्योंकि हम हमें कुछ रिमार्केबल विन्स मिली थी तो मैं जिस तरह पहले मैंने कहा कि द क्रैक्स वो बीन पेपर्ड ओवर लेकिन ऑल दोज क्रैक्स केम टू द फोर इन द फाइनल लास्ट नाइट तो ज़रा थोड़ा सा चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ ऑब्वियसली इट्स नो इट्स नॉट अ सीक्रेट कि बाबर आज़म की ये सात इनिंग्स हैव है बी हैज बीन द वर्स्ट पीरियड ऑफ इस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल करियर द वर्स्ट पैच स्टेटिस्टिकली इस्पेली और बाबर ने तो क्लियरली स्ट्रगल किया लेकिन ज़्यादातर सवाल आता रहा उठता रहा पाकिस्तान के नंबर तीन पर उसके अलावा मिडल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा तनकीद थ्रू आउट होती रही लेकिन कल रात को वी सौ के पाकिस्तान की फ़ौर दो विकटें गिरी पावर प्ले में जब आबर और फ़खर आउट हुए उसके बाद इफ्तार और रिजवान ने स्टेबलाइज करने की कोशिश की जहाँ पर शुरू शुरू में अच्छा लग रहा था और काफ़ी प्रामिसिंग लग रहा था कि एटलीस्ट ये सस्टेन कर रहे हैं देन सडनली आई थिंक हम सबको ही एक फीलिंग क्रीपिन होनी शुरू हो गई थी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं एंड दे लीविंग टू मच टू बी डन एट दी एंड एंड बोथ ऑफ देम वर इफ़ेक्टिवली गोइंग

वैन द टू विकेट्स हैड फॉलन आप दो विकेट्स के ऊपर जो है वो आप अपने शेल में जा रहे हैं वो पाँच विकेट्स के बाद देर दे कीप ऑन अटैकिंग ठीक है आप इसको जितना मर्जी स्पिन कर लें जो मर्जी बोल लें पाकिस्तान ऑन पेपर इज़ अ सुपीरियर टीम टू श्रीलंका ठीक है एंड दैट इज़ वाई श्रीलंका को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने से सुपीरियर टीम्स को पूरे टोर्नामेंट के अंदर जो है वो दे आउटार्टेड एवरी वन एंड दे डिट्स ओ अगैन डिस्पाइट लूजिंग द टॉस अब पाकिस्तान का अगर आप स्कोर देखें पहले दस ओवरों के बाद पहले दस ओवरों के बाद अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ग्राफ आ रहा है तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इन द मैच वर्सेस इंडिया पाकिस्तानिस्तान पाकिस्तान ठीक है एंड देन यू नो मैच थ्री के अंदर यू नो पाकिस्तान बोल्ड वेल एंड श्रीलंका के इतनी जरूरत नहीं थी तो सिर्फ दो का फर्क था एंड द फाइनल इज दी ओनली टाइम जहाँ पे पाकिस्तान हैड अ बेटर स्टार्ट इन द फर्स्ट टेन ओवर्स बट उसमें आप ये बोल रहे हैं कि श्रीलंका स्टार्टिड टू एक्सीट अब आप इस टूर्नामेंट के अंदर सुपर फोर्थ और फाइनल की स्टेज में दो मैच जीते हैं जो दो मैच आप जीते हैं वो आप अपने पहले दस ओवर की परफॉर्मेंस पर नहीं जीते वो आप अपने आखिरी दस ओवर की परफॉर्मेंस पर जीते हैं विद बैट एंड बॉल अगर आप सतारह रन कवर कर रहे हैं एक मैच में और बीस रन कवर कर रहे हैं एक मैच में आखिरी दस ओवरों में दैट मीन्स दैट आपके दस ओवरों के बाद बैटिंग है स्टेप्ट अप जो अब इसका मतलब यह है कि अगर एक मैच के अंदर आपकी बैटिंग वो आखिरी दस ओवरों में दस टेन पर ओवर इलेवन पर ओवर ट्वेल्थ पर ओवर नहीं कर रही तो वो आप मैच हारेंगे ना हाउ इज़ दिस अ सस्टेनेबल मॉडल इट इज़ नॉट यू कैन ट्राई अ हंड्रेड डिफरेंट प्लेयर्स आप कल के मैच में आखिरी चार ओवरों में पाकिस्तान यूनिट सिक्सटी रन ठीक है आप अभी जो आपका करंट मिडल ऑर्डर है सबको निकाल दें टीम से बाहर अब आप चार नए प्लेयर ले आए मिडल ऑर्डर के अंदर ठीक है लोअर मिडल ऑर्डर मिडल ऑर्डर आप मुझे बताएं साठ रन चार ओवरों में हिस्ट्री ऑफ टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी दफा चेस हुए हैं पाकिस्तान ने बेस्ट एवर लास्ट फाइव ओवर में सिक्सटी रन चेस किया और चार में साठ रह गया था ठीक है चार में साठ रह गया और... था और भी कम था एक मौके पर आई मीन द थिंग इज के माय अब तो जहां पर मैं थोड़ा सा अपसेट होना शुरू हुआ था एंड अगेन मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी बात की थी कि लोग समझते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं करते वो भूल जाते हैं कि यार नथिंग कम्स बिफोर पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान टीम हम यहाँ पर कोशिश यही करते हैं कि हम एज ऑब्जेक्टिवली बात करें एज पॉसिबल रिजवान की इनिंग्स डिस्पाइट द फैक्ट कि दो विकटें गिरी हुई थी वॉज नॉट वॉट वॉज रिक्वायर्ड एट दैट स्टेज इस्पेशली जब उन्होंने भी तीस बॉलें खेलनी थी इफ्तार ने भी तीस बॉलिंग खेलनी थी तो वो मौका आइडियल था कि दे शुड हैव देन स्टार्टड एन अटैक और ये मैं अगेन आई लव रिजवान एवरी वन नोज दिस इज़ माई कैप्टन इज वेल ये रिजवान खुद भी इज ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन वो खुद भी अपना हाथ खड़ा करके बताएंगे कि यार हाँ यहाँ पर ये यह गलती हुई है लेकिन मुझे कोई एक बात अगेन हम रिजवान की बात कर रहे हैं आप आपकी टीम के कप्तान हैं रिजवान के ऊपर अभी भी लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग रिजवान अगर रिजवान इस तरह खेल रहे थे वाई इफ्तिखार वाज ऑन द अदर एंड अगर इस तरह भी खेल रहे थे कोई भी खेल रहा होता व्हाई ट यू सेंड अ मैसेज देखें फील्डिंग करते हुए मुश्किल है बिकॉज कैप्टन टू मूव द फीड विदिन द लिमिटेड नंबर ऑफ जब आप बैटिंग कर रहे हो ना तो मैसेज भेजना बहुत आसान है ठीक है तो माई क्वेश्चन इज के वाई नो इंटेंट की हम बात करते हैं ना आप एक स्टैट उठाकर देख लें आई एम श्योर क्रिकविज वुड कम अप विद अपट या आप उनके पेज पे जाएंगे द नंबर ऑफ अटैकिंग शॉट्स अटेम्प्टेड वर वेरी लो ठीक है तो इसका मतलब है कि ट्राई करते हो आउट हो जाओ दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम आप ट्राई भी नहीं करें विच मीन्स आपका प्लान ये है ये प्लान किस तरह लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है जब भी आखिरी दस ओवरों में आपका किसी अच्छे बॉलिंग अटैक के साथ सामना पड़ेगा थोड़ी डिफिकल्ट पिच पे आपका मैच होगा तो आप फंसेंगे ये आपका हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिछले वर्ल्ड टी ट्वेंटी के सेमीफाइनल के अंदर यही आपका श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ है दस ओवरों बाद अगर आपका हर मैच में साठ से सत्तर के दरिया में स्कोर है और आप एम कर रहे हैं बैटिंग फर्स्ट और चेसिंग वन सेवेंटी करना तो आखिरी दस ओवरों में टेन प्लस पर ओवर पे आपका जाना हर मैच में पॉसिबल नहीं है रिहान मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग इमीडिएटली आफ्टर पावर प्ले वाला पीरियड जो है वो भी कंसर्निंग है और उस पर भी आई बिलीव यू डग अप सब नंबर्स अगर हम वो टेबल भी सामने रखें और उसके बाद बात करें यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंड दिस इज़ वेयर ओवरऑल अप्रोच ऑफ पाकिस्तान टूवर्ड्स बैटिंग इज समथिंग विच नी ये तो रिहान ने इस वक्त सिर्फ सुपर फोर और फाइनल के नंबर्स निकाले हुए हैं ओवरऑल तो इससे ही बुरे हैं ओवरऑल uh, इससे भी बुरे हैं मतलब आई नो के अगेन uh, लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं विद मुल्तान uh, मुल्तान स्ट्रेटी लेकिन द द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के बेन रिजवान एंड शान मसूद आर प्लेइंग टुगेदर तो उनमें एक तो कोई डॉट बॉल्स वाला एलिमेंट ज़्यादा होता नहीं है देर ऑलवेज रनिंग जहाँ पर सिंगल होते हैं वहाँ पर डबल बना रहे होते हैं एंड देन इन द मिडल ओवर्स इमीडिएटली आफ्टर पावर प्ले यू सी शान टेकिंग ऑन अ मोर अग्रेसिव रोल अगेंस्ट द स्पिनर राइट सो दैट इज समथिंग दैट यू सी क्लियरली बट वी डू दैट बिकॉज वी डू नॉट हैव अ बैटिंग नंबर नंबर और मुझे मैं एक और सवाल जो मेरा प्लानिंग से रिलेटेड है अगर आप ये देखेंगे आपका जो मैच वन टू थ्री फोर है जो सुपर फोर फाइनल है अगर आप ये टेबल देखें स्क्रीन के ऊपर अगर आपके आ रहा है तो पाकिस्तान ने अब आपको ये डिफरेंस इतना नहीं लगता क्योंकि आप कह रहे हैं जी एक रन का डिफरेंस फिर सात फिर माइनस फोर्टीन और छ ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपके बॉलर्स आर आउट बोलिंग इन दैट पीरियड नॉट बिकॉज आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं वो जो चार ओवर आपके आ रहे हैं वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो चार ओवर किसने करवाए हैं नवाज शादाब ठीक है वह हैव बीन द टू मोस्ट इकोनॉमिकल स्पिनर्स इन दिस टूर्नामेंट तो आप उसके बावजूद अगर आप इस पीरियड में कैपिटलाइज नहीं करें जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड है

उस फेज़ ऑफ प्ले के अंदर अगर नवाज आया नवाज ने अटैम्प्ट की शॉट मारने की वो आउट हो गया ठीक है आप मुझे ये बताएं कि आपके दो दफ़ा जो आप मैचेस इंपॉर्टेंट मैचेस टूर्नामेंट में जीते हैं वो एक मैच आपको नवाज ने जिताया ही मेड अ क्विक फायर फोर्टी आउट एक मैच आपको शादाब ने स्पिनर्स को आके उसने स्कोर किया उन दोनों के एंट्री पॉइंट्स क्या थे उन दोनों के एंट्री पॉइंट्स से बिफोर द टेंथ ओवर ठीक है कल के मैच में आप एंट्री पॉइंट्स देखें बैटर्स के जब वो आ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं सिचुएशन के अंदर द द थिंग इज़ के फ्लेक्सीबल बैटिंग ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो एंट्री पॉइंट बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है उसमें किसी और को नहीं ब्लेम जाता आप रिसोर्सेज नहीं यूज़ करें पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर आपने ख़ुद रिजल्ट देखे हैं मैं मेरा लोगों से ये सवाल है सबसे सवाल है ये पाकिस्तान आ, पिछला जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ उसमें इंडिया से मैच जीता थैंक्स टू द बोलिंग एंड बिकॉज द ओपनर्स प्लेड वेल

द थिंग हेयर इज़ के अगेन मैं शोएब मलिक मोहम्मद हफीज़ आसिफ अली या इन इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप मैचेस जीत रहे हैं वो आप इसलिए जीत रहे जीते थे कि आपके मिडिल ओवर मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किए थे उनमें इस एशिया कप के अंदर आप जो इंडिया से मैच जीते हैं उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन uh, देखें आप उसकी नवाज की उसके बाद आसिफ स्कोर सिक्सटीन ऑफ एट बॉल्स हिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री इन द नाइनटीन ओवर ठीक है अगेन नॉट अबाउट दोज प्लेयर्स इट इज़ अबाउट के वो चल गए तो आप जीत गए अब हर मैच में नहीं चल सकते वो ठीक है और जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन आपके पास आप आप क्या बैकअप आईडिया हर मैच में आपके बॉलर दूसरी टीम को डेढ़ सौ नहीं आउट कर रहे नहीं जिस दिन चले उस दिन आप क्या कर रहे हैं द थिंग इज़ जो आपकी चीज़ काम कर रही है वो तो कर रही है यू नीड टू प्रिपेयर फॉर थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू अच्छा मैं अब यहाँ पर एक और भी एक और बात कर करूँ मुझे मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि मैं बार बार मुल्तान के साथ एनाल जी ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन उसके पीछे बहुत मेजर वजह ये है क्योंकि मुझे भी ये कहा जाता है कि भाई ये स्ट्रैटी मुल्तान के लिए भी काम करती रही है पाकिस्तान के लिए भी कर रही है मैं यहाँ पर अब एक और बात आपको बताता चलूँ कि आप फिर से जब मुल्तान का तीन चार पाँच छः देखते हैं तो मुल्तान का तीन चार पाँच छः इज़ सहेब मकसूद राइली रसो टिम डेविड खुशतिल शाह जिसके अंदर आप इन चारों को अगर देखें तो इन चारों के पेस के ख़िलाफ़ नंबर्स तो अच्छे हैं सो हैं

Uh, जो सिक्सटी एट पॉइंट फोर परसेंट वाली बॉल्स कंज्यूम वाली बात थी एंट्री पॉइंट्स आपके एंट्री पॉइंट का मतलब है कि बैटर कब किस ओवर के अंदर बैटिंग करने आ रहा है आपका ठीक है तो अगर आपका बेस्ट पेयर ऑफ स्पिन जो है वो स्पिन के ओवरों के बाद आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है तो पाकिस्तान नीड्स टू वर्क आउट के इतना स्टबर्न होना और वो पुरानी सोच और वो वो आप वनडे टी ट्वेंटी में करें टी वनडे और टेस्ट में करें टी ट्वेंटी में पूरी दुनिया ने इतना इवॉल्व कर लिया पाकिस्तान स्टिल विंस ह्यूज अमाउंट ऑफ टी मैचेस मैचेज स्टिल वन ऑफ द थ्री मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स स्टिल वन ऑफ द टॉप थ्री टीम्स इन द वर्ल्ड लेकिन वो डिस्पाइट हाउ वी प्ले नॉट इन नॉट बिकॉज वी प्ले दैट वे ठीक है रियान वक्त हो रहा है ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आए तो फुटबॉल पर भी बात करनी है लेकिन मैं रेहान से थोड़ा सा चाहूँगा कि हम क्रिकेट की कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करें सो वील बी राइड बैक आफ्टर दिस ब्रेक देखते रहे जियो सुपर वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज़ हम ब्रेक में जाने से पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे थे खास तौर पर एशिया uh, कप के अंदर जो परफॉर्मेंस रही थोड़ा सा हम दोनों का आई थिंक वो एक म्यूचुअल uh, रैंट uh, समझ लें जो पिछला हमारा पूरा सेगमेंट sure. था बट इट्स प्राइमारिटी बिकॉज आप जितना मर्जी ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करें द डिफीट फॉर द नेशनल टीम डेफिनेटली स्टिंग्स थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिहान इससे पहले कि मैं फुटबॉल पे बात करूँ बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू डिस्कस इज़ वेल थोड़ा सा थोड़ा सा मैं अभी वाली बात इस पर बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के अगली जो असाइनमेंट है दैट इज गोइंग टू बी द टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड और फिर उसके बाद अ ट्राई सीरीज इन इन न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड भी अगले तीन दिनों में अनाउंस करनी है वी ऑल नो दैट्स अटेंटेटिव स्क्वाड हमने एक दफ़ा पिछले दफ़ा भी वर्ल्ड कप स्क्वाड पे पूरा शो कर दिया था बाय द टाइम वर्ल्ड कप स्कोडर दिया था कि बहुत changes उसमें हमने कहा था चेंजेस होंगी और पता चला कि जी महीने बाद 25% परसेंट टीम ही चेंज हो गई थी लेकिन अब जरा थोड़ा सा ये कि अब ये जो सात मैचेस आ रहे हैं इसमें वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग वॉट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर पाकिस्तान टू एटलीस्ट ट्राई आउट वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज वट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड वट शुड हैपन आर टू डिफरेंट थिंग्स ठीक है वट आई एम एक्सपेक्टिंग इज पाकिस्तान विल डबल डाउन ऑन दिस अप्रोच के ओ माई गॉड हमारा तो मेडल ऑर्डर चलता नहीं इसलिए हमें ज़्यादा ऊपर से खेलना पड़ेगा थोड़ा कंसॉलीडेट करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप जो है अपना मेडल ऑर्डर अगर चेंज भी कर लें लेट से आप हैदर को टीम में डाल लें लेट से आप शान मसूद को टीम में डाल लें लेट्स से आप शोएब मलिक को टीम में डाल लें किसी को भी टीम में डाल लें ठीक है लेट्स लेट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल लें अगर वो पंद्रह ओवर बाद उनकी बारी आ रही है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है तो अब आइडियली तो आपको ये करना चाहिए कि इस सीरीज़ इस ये जो सीरीज़ आ रही है इसमें आप प्रिपेयर करें वर्स केस सिनेरियोस के लिए ठीक है वर्स् के सिनेरियो का मतलब है कि अगर वर्ल्ड कप के अंदर आपका नॉकआउट मैच हुआ या बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ जिसमें आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो आपका मिडल ऑर्डर शुड बी रेडी To play those many balls against whatever type of bowling is coming, so prepare for that. That is what should happen. What I expect to happen is we'll double down on the current approach and take it, you know, ke lamba leke or you know end tak leke or fir hum finish karein. That's it's it's how can you prepare for like Pakistan plays every bilateral T20I series as a matter of you know life and death. But that I should think. that should not happen. पंद्रह की स्क्वाड में एटलीस्ट खैर अब आगे चल के आपके ट्वीट्स में भी काफी ज्यादा सवाल आते हैं लेकिन पंद्रह की स्क्वाड में आई थिंक इट इज फेट से एटलीस्ट आपका कि आप, आप की आप की बॉलिंग यूनिट काफी हद तक क्लियर होता नजर आ रहा है आपकी बॉलिंग ने अभी आ, क्या बॉलिंग यूनिट क्या होगा बॉलिंग यूनिट एक्सेप्शनल थ्रू आउट टूर्नामेंट फॉर मी हारिस राउफ वॉज पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर ऑफ द टॉर्नमेंट बिकॉज उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली इंपॉटेंट उसने एंड में बॉलिंग करवाई हारिस राउफ आई फील नवाज वॉज ब्रिलियंट शाव वॉज ब्रिलियंट शाहनवाज जान डो नॉट गेट मैनी गेम्स बट वैन ही प्लेड ही लुक रियली गुड ठीक है हसनैन वॉज बॉलिंग एट हाई पे ये ही वॉज लिटल एक्सपेंसिव लेकिन ये भी देखेंगे वो किसके बाद आ रहा है शाहीन आपका जो अभी इंजर्ड है वो शायद वर्ल्ड कता नसीम शाह इज एप्सोलूटली वर्ल्ड क्लास एंड डेनसम ठीक है and was Muhammad wasim Jr. is also sitting there. Your bowling attack is not problem. Your bowling attack will still even... Usman Qadir is on the bench, but by the, by the looks of it, I think there might come a situation where Pakistan might decide to take... because you have left arm orthodox bhi covered, you have off-spin we covered. Hai. Uh, I, I have a feeling there could be a situation where Pakistan decides against taking two wrist spinners and probably add another batter Into the squad of 15. देखे बताऊँ की छे की इकोनॉमी साढ़े सात की हो जाएगी ठीक है वो आपको तो क्योंकि हमें आदत तो होगी छे 6 6.5 7 इस तरह नहीं होगा वहाँ पे आपको साढ़े सात की इकोनॉमी से एडजस्ट करना पड़ेगा फिर आपके बैटर्स को भी और बिग बैश में आप काफी दफा देखेंगे कि टीम्स ने दो दो

एशिया कप के फाइनल पर बात करने के लिए और तबसरे के लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सब टेस्ट क्रिकेटर एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन फ़ॉर लाहौकर लंदज जनाब आकिब जावेद साहब ने आ, एक बार फिर हम आपके शुक्र गुज़ार हैं आकिब भाई कि आपने हमें टाइम दिया आकिब भाई ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा मैं फ़ेस बाई फेस आपके साथ चलूंगा पहला तो जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जब पाकिस्तान ने फिफ्टी ऑट पर श्रीलंका की पाँच विकटें गिरा ली थी तो क्या आप नहीं समझते कि शायद थोड़ी सी टैक्टिकली ग़लती हो गई कि पाकिस्तान ने वो प्रेशर नहीं मेंटेन किया और शायद एक आधे सीमर को और ओवर दे देना चाहिए था शायद यहाँ पर थोड़ी सी नाइविटी थी इन द डिसीजन मेकिंग देखिए गलती तो हुई है क्योंकि जब आपने एक पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर क्योंकि लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे तो अच्छी मूव थी आए जब विकेट ले ली तो फिर आपको चाहिए था दोबारा से तेज़ बॉलर लाते हारिस को ले आते स्नैन को ले आते क्योंकि एक विकेट पे ऊपर और आप उसका फ़ायदा उठा सकते थे वो थोड़ा सा लंबा ले गए फिर वो आपको पता है जब चार पांच ओवर दो बैट्समैन खेल जाएँ तो हसरंगा और वो राजा पक्षा तो वो सेटल हो गए उसके बाद फिर वाति प्रेशर होता है किसी बैट्समैन के ऊपर एक दो ओवर तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर थोड़ी सी कप्तान ने गलती की है एक विकेट जब ले ली थी इफ्तार ने तो फिर अपने तेज़ बॉलर और स्ट्राइक बॉलर्स को लाना चाहिए था आ, भाई पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया भी आप खोल लें आप कोई भी किसी भी चैनल पे भी एनालिसिस निकाल लें बाबर की फॉर्म का तो सबको इस वक्त अंदाजा हुआ ही है बिरजवान की भी कल की इनिंगज वॉजेंट द बेस्ट आ, इनिंग्स एट ही प्लेट लेकिन फखर ज़मान पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है एंड यू हैव वर्कड वेरी वेरी क्लोजली विद फखर आपने तब भी उनके साथ काम किया जब उनकी फॉर्म डाउन uh, थी एंड ऑब्वियसली द सीज़न दैट ही हैड विद यू दिस ईयर वॉज़ फिनल इस वक्त फ़खर को फॉर्म में लाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या क्या इस वक्त पाकिस्तान शुड थिंक ऑफ रेस्टिंग और बेंचिंग फ़खर एंड लुक फॉर हिम डू यू थिंक फेयर उनको फॉर्म में वापस लाने के लिए उनको ओपन करानी पड़ेगी और ये जो हमारी ओपनिंग पेयर है नो uh, डाउट no के रन्स तो वो बहुत करते हैं बट uh, वो वन फोटी वन फिफ्टी वाला मैच जो है वही ज़्यादा ज़्यादा वो, वो जीतेंगे uh, दोनों किसी भी मुल्क के एक स्टाइल के बैट्समैन जो है ओपनर नहीं होते क्योंकि जो फर्स्ट सिक्स ओवर में जो दायरा लगा होता है उसका मकसद ये होता है कि आप मैक्सिमम रन बनाएं या तो इनको अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा या ओपनिंग पेयर को इनको चेंज करना पड़ेगा और फ़खर अगर रन्स करेगा तो वो आपका ओपन पे खेलेगा तो रनस करेगा आके भाई इंग्लैंड के खिलाफ टी आ रहे हैं पाकिस्तान सात मैचेस खेलेगा एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कवर अप एनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी मेड आप क्या चाहेंगे कि पाकिस्तान क्या एक्सपेरिमेंट्स करे अगेंस्ट इंग्लैंड इन दिस अपकमिंग बाई क्या चेंजेस चाहेंगे क्या एक्सपेरिमेंटेशन चाहेंगे ज़रा हमारे साथ वो शेयर करें देखिए इट्स टू लेट फॉर द वर्ल्ड कप कि अब एक्सपेरिमेंट करें आप उनको खिलाएं जो परफॉर्मेंस देते हैं आप उनको मौका दें जो कि सीजन प्लेयर हैं शुएब मलिक को इस टीम में अगर आ, खिलाते हैं तो यहाँ अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस देते इंग्लैंड खेलते तो वर्ल्ड कप के लिए वो जा सकते थे अब इनके पास चॉइस क्या है चॉइस ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ पे पेस बाउंस और ये जो हमारे इफतखार और ये घुशदेल और आशिफ अली ये इस तरह के प्लेयर हैं कि जो आ, लो स्लो पिचेस के ऊपर छोटी ग्राउंड के ऊपर ये छक्के मार देते हैं और मारते भी ये अक्रॉस द लाइन है आ, अगर आप राजा पक्षा की या इस की हिटिंग देखें तो टेक्निकल शॉट्स हैं एक्स्ट्रा कवर में हैं Uh, सीधे बल्ले से खेलते हैं तो उस तरह के प्लेयर लाएं जो ऑस्ट्रेलिया में जैसे शान मसूद है टेक्निकली साउंड है रोलिंग खेल लेता है गैब्स में खेल लेता है अब ये जो है ना वो दौर ख़त्म हो गया कि आप स्लॉगर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आए प्रॉपर टेक्निकल साउंड प्लेयर्स जो कि टेक्निकल शॉटिंग खेलें उनको ढूंढ के लाएं और फिर ही को पाकिस्तान का चांस होगा थैंक यू सो मच आकिब भाई ये थे जी आकिब जावेद डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन लाहौर कलंदर्स चलते हैं जी अब फुटबॉल की तरफ इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो द वर सस्पेंडेड लेकिन बाकी सारे मैचेस हो रहे थे रियाल uh, uh, खास खासतौर पर विनिशियस जूनियर कंटिन्यूज टू स्कोर ही ओ व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर ही इज और साथ ही हमें नज़र आ रहा है हाँ। कि बार्सिलोना का भी जो स्टार्ट है वो बहुत फिनोमिनल चलता आ रहा है लेकिन एक चीज जो हमें देखने को मिली और वो बड़ी अजीब सी थी वो मैं अगेन ये कुछ मजदार मजदार स्टोरीज़ होती हैं यूरोपियन फुटबॉल में जो बाकी लोगों को नहीं इस तरह करते क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते जिस तरह खास तौर तो पर कल यूनटस का मैच जिसका मैच था सैलिन ताना के साथ जो यूवेंटस बाय द वे सेलिन टाना वो टीम है जो पिछले साल माइनस फोटी फाइव के एग्रेगेट के साथ स्टिल मैनेज टू स्टे अफ्लोट सेरिया उनके साथ मैच था वो यूवेंटस को एट होम टू ने हरा रहे थे और फिर उसके बाद टू ऑल हो गया और आखिरी इंजरी टाइम में मिलक ने गोल किया जिसकी सेलिब्रेशन उन्होंने शर्ट उतारी उनकी सेलिब्रेशन का सेकंड येलो रेड कार्ड मिल गया ब्यूटीफुल और वीएआर में वो गोल डिसला हो गया ब्यूटीफुल और कोड्राडो को भी कार्ड मिल गया लेगरी को भी कार्ड मिल गया दूसरी तरफ से फाबियो को भी कार्ड मिल गया करते कराते तक मैच खत्म हुआ मैच ख़त्म होने के बाद ये भी पता चला कि वी वालों के पास पूरा एंगल ही नहीं था कंद्रेवा वॉज प्लेइंग Bonucci on side when that happened. So, this is the beauty of Italian football. Lekin, <laughs> La Liga. La Liga, to... what is going on with Antoine Griezmann? Why isn't he starting? The, so, basically, for पीपल टू अंडरस्टैंड वट्स गोइंग ऑन विद ग्रेज मैन यू हैव टू अंडस्टैंड के बार्सलोना और एथलेटिको मोड्रेड दोनों आर फेसिंग ह्यूज ट्रबल्स एडमिनिस्ट्रेटिवली बार्सलोना का तो सबको पता है हमने शो भी बड़ी दफा बात किया कि देव टेकन लोन्स देव एक्टिवेटेड फाइनेंशियल लीवर्स देव देव कट डाउन प्लेयर सैलरीज एंड ऑल ऑफ देट ठीक है सिमिलरली एथलेटिको मडरेड राइट नाव उनका यह है कि बिकॉज फीलिक्स लिय बिकॉज दे आर वन ऑफ हाइस्टिंग टीम इन दर्ल्ड लास्ट थ्री फोर ईयर्स उनका भी जो स्पेनिश वो एफ ए है वो काफी हद तक जो टीम कंट्रोल करती है फाइनेंशियली तो वो भी देर ऑल्सो इन ट्रबल्समैन को जब एथलेटिको मेड गए थे तो ये क्लास था कि दो साल वो वहां पर से अथ्लेटिको हाँ, अथ्लेटिको बार्सलोना से जब एथलेटिक वो दो साल वहां पर खेलेंगे दो साल खेलने के बाद इट विल बिकम मैंडेटरी ऑन एथलेटिको मेड टू पे फोर्टी मिलियन यूरोलोना और उसकी वजह उसके लिए उन्होंने रखा कि हैज़ टू प्ले हाफ द गेम्स ठीक है नाउ माय फेवरेट पार्ट इन दिस इज़ के हाफ द गेम्स जो हैं ओनली मैचेस इन विच ही इज़ अवेलेबल काउंट ठीक है तो इंजरी भी उसके अंदर आ जाती है कि अगर वो इंजर्ड है तो वो मैचेज नहीं काउंट हो रहे ठीक है लास्ट ईयर एंड वन ग्रिजमेन प्लेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मिनट्स फॉर एथलेटिको मेड सो वॉट एथलेटिक और डिट दिस सीजन इज के उनके बोर्ड ने कहा कि यार यू नो वी कांट अफोर्ड टू पे फोर्टी मिलियन टू बार्सोलोना सो उन्होंने क्या किया कि अब वो उनके जो क्लॉज है उसके मुताबिक हाफ हाफ द गेम्स हैं तो नाउ द कटिंग डाउन द मिनट्स तो ओवरऑल अगर एवरेज मिनट्स उनके कम हो जाएंगे विच दे हैव कैलकुलेटेड तो अगर वो कैलकुलेट करके फिर उनको बारसोरोना को पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो आप ग्रियजमन हर मैच में सिक्सटी फर्स्ट मिनट सिक्सटी सेकेंड मिनट सिक्सटी थर्ड मिनट सिक्सटी फर्स्ट मिनट सिक्सटी सेकेंड मिनट सिक्सटी थर्ड मिनट पर सब्सटीट्यूट्स आते सब्सिट्यूट आते रहे हैं हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया उन्होंने गोल किया एक तो एक सौ मिनट्स में उन्होंने गोल किया था चैंपियंस लीग के अंदर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द विन अगेंस्ट अगेन दिस वीकेंड ही इज़ बीन देयर वन ऑफ देयर टॉप प्लेयर्स पर वो स्टार्ट नहीं कर सकते और सिमियोनी ने बाद में कहा भी कि आई लव ग्रियजमैन ग्रियजमैन ने भी बाद में कहा आई लव सिमियोनी वो उनका यू नो हैव दिस रिलेशनशिप बट दोनों को पता है कि दिस इज नॉट इन देयर हैंड्स समटाइम्स अ कॉन्ट्रैक्ट अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन डिस्ट्रॉय द प्लेयर एंड द टीम राइट नाउ ना इस चीज से खुश नहीं है एथलेटिको मटरेड कै यूज ग्रियजमैन प्रॉपर्ली बार्सोलोना ने केस करने का सोचा एथलेटिको मेड्रेड पे कि दे हैव टू पे 40 मिलियन सो दिस एंटायर सागा इज वेरी बिजार बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज इन स्पेनिश फुटबॉल देर पास्ट एज वेल और बार्सिलोना को इन 40 मिलियन की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रिकवरी अच्छा मैं लोगों को एक और चीज बता चलूँ वो लोग कहते थे कुंडे रजिस्टर हो गया तो इवेंचुअली तो सब कुछ रजिस्टर होना चाहिए था भाई साहब कुंडे रजिस्टर इस तरह हुआ है और जो कुंडे के बाद भी एक दो प्लेयर्स उनके रजिस्टर हुए हैं वो इसलिए हुए हैं

इलेक्शन होते हैं बल्कि अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आई थिंक वो भी आ गई है फीगो की डॉक्यूमेंट्री uh, भी आ गई हुई है वो तो आप इस वजह से ना देखें कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है लेकिन वो इसलिए रेलिवेंट है कि दैट शुड टेल यू के अमूमन लोग पूछते थे यार आई I मीन mean, इतनी बड़ी क्या बात है कि इन क्लब्स की प्रेजिडेंसी इतनी बड़ी चीज क्यों है क्योंकि प्रीमियर लीग के प्रेजिडेंट्स रेली डोंट काउंट फॉर मच इज बिकॉज दीज क्लब्स आर ओन बाई फैन यस एंड दैट इज वाई दे इन्जॉय अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस Uh, in uh, in their respective सिटीज वक्त हो रहा है break का ब्रेक के बाद जब वापिस आएंगे तो आपके ट्वीट फैसला बनाएंगे तो जरूर देखिएगा विल we'll be right back after this short break. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउन प्रेजेंटेड बाई वर्ल्ड ट्रिपल सेवन न्यूज इससे पहले कि आपके tweets की तरफ चले यू एस ओपन का आपको बताते चलें कि फाइनल्स हो गए हमने आपको बताया था कि फाइनल्स होंगे इस वीकेंड पर एंड द नंबर वन सीट शोटेक वन दी वेमेंस चैम्पियनशिप और लेकिन जो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों को जो बहुत बड़ी खबर बनी थी वो ये थी कि कार्लोस कार्लॉस एल्करज सपोज टू बी दिस न्यू वंडर किड इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस फ्रॉम स्पेन वन हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम बाय डिफीटिंग हुड एंड नॉट ओनली दैट बाय ओनलीफीटिंग रूट सॉरी

Uh, जो बाकी दस थी वो मुझे और रान को गालियाँ थी हमारे मुल्तान और इस्लामाबाद के प्लेस को रिलेटेड लेकिन जो बाकी सारे थे वो मोरलेस सेम <laughs> ही थीम पर थे सो लेट्स हैव द ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन सो दैट वी कैन एक्चुअली डाइव इन टू दीज क्वेश्चन जुबैर गफ़ारी सर आज फाइनल हारने के बाद बहुत से क्रिकेट फैन पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को ब्लेम uh, कर रहे हैं कुछ हद तक ठीक है लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट्स uh, क्या हैं ये पहला तो सवाल इनका ये है कि इफ्तार खुशती आसिफ की जगह अगर आएंगे तो कौन आएगा मिडिल ऑर्डर में क्योंकि कौन ऐसा है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है और क्या वापस पीछे जाएं मलिक सरफराज उमर अकमल जिनको uh, कई बार आजमा चुके हैं सो बेसिकली दिस इज अ वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन के हु डू वी हैव एज रिप्लेसमेंट्स इन दी इन द रेगुलर सर्किट अगर मैं इस पर कोई बात करूँ तो ये करूँ कि आई थिंक जो अगर आप इंडिया के से ही लेसन अगर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको लेसन ये मिलता है कि बिकॉज दे हैव हार्दिक पांड्या एंड बिकॉज दे हैव जदेजा दे यूजली एंड अप कवरिंग अप इन द मिडल ऑर्डर बाय यूटिलाइजिंग दीज टू इन अ मोर फ्लेक्सिबल ऑर्डर द सेम थिंग दैट वी बीन सेंग फॉर शादाब एंड नवाज यस एंड यो इंडिया में स्टॉप बिकॉज जो उनका सबसे अच्छा फिनिशर था कार्तिक उन्होंने उसको <laughs> पहले मैच के बाद उसने चांसेस नहीं दिए और दूसरी चीज़ ये कि आप डोमेस्टिक की बात करें आप पॉलार्ड ए डिविलियर्स डी रसल किसी को भी अगर आपने इस तरह खेलना है और आपका ये प्लान है तो जिस मर्जी को ले हैं आप नहीं जीतेंगे लेकिन बात कर लेते हैं हैदर हैदर है, एंड से 2021 ऑनवर्ड्स उसकी फॉर्म नहीं अच्छी रही जो उसकी एक अच्छी चीज सी स्ट्राइक रेट वो गिर गया बिकॉज उसको सब ने कहा कि आराम से खेलना शुरू कर वजह से गिर गई तो ओवरऑल हैदर का थोड़ा इशू आया उसके अलावा अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक के अंदर शोएब मलिक पी एस एल उनका अच्छा गया उस आ, कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही और अभी जो डोमेस्टिक टी ट्वेंटी कप हो रहा है उसमें भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं शान मसूद आ, नंबर चार पे बैटिंग कर रहे हैं अभी उनका रिसेंटली फेलियर हुआ आई थिंक जीरो पे आउट हुए हैं ही इज़ अनदर ऑप्शन यू कैन ब्रिंग हिम इन अगेन आई कैन टेक टेन अदर नेम्स बट अगेन द प्रॉब इसके बॉल इस रोल के लिए आपको पता है डेवलप करने की जरूरत होती है प्लेयर को और आपको उसे बैक करने की जरूरत होती है आपके पास काफ़ी ऐसे जैसे सीमिंग ऑल राउंड आ रहे हैं रैंक्स में बट इफ़ आई हैड टू रियली कैटेगराइज मोर लाइक नंबर देन है थिंग इज आप अगर सीमिंग ऑलराउंडर लाएंगे भी टीम में तो आपने इस्तेमाल तो करना नहीं है वही ना मतलब आप वो आपने उसको फिर वही है कि वो नौवे नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है ना उसकी बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग में वो चार ओवर कर रहा है तो वाट्स अ पॉइंट ये या तो ये होता है ना कि आमिर यामीन अपनी पीक पर इस्तेमाल हुए होते हैं मोर एज बैटिंग ऑलराउंडर एट नंबर फाइव बट नाउ इवन आमिर उस पर लेते हैं और ट्वीट से नहीं रिक्वेस्ट करें अभी आपकी अप्रोच चेंज हो जाए उसके बाद जिस मर्जी को टीम में डाल अगला ट्वीट ट्वीट ऑन द स्क्रीन दानिश पूछ रहे हैं के नॉट मैनी अच्छा इनके दो तीन सवाल थे उनका था नॉट मैनी विल टर्म दिस एज ए फैक्टर बट वॉट डू यू गाइज थिंक शादाब स्पेशल बैट इनका सवाल एक्चुअल जो है अगर हम नीचे स्क्रोल डाउन करें तो उससे आपको पता चलता है कि एक पाकिस्तान की बहुत मेजर वजह फाइनल हारने की ये थी कि पाकिस्तान ने वो लास्ट गेम जो थी उसे सीरियसली नहीं लिया उसमें उस तरीके उस से उन्होंने मतलब जिस तरह ये कि श्रीलंका ने धनंजया और मधुसन को प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस मैच में खिलाया पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इसमें इसी तरीके से अप्रोच करते डेड रबर को शादाब को स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला देते और हैदर को ट्राई करते तो ये सवाल है तो इस पर मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि हर हर थिंक टैंक इसमें आई थिंक डिफरेंट अप्रोच होती है क्या कि जो चीज़ चल रही है वो दोबारा ना करें नहीं मतलब ये तो ये वाली थिंक प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद का डेड रबर ले लें अबू धाबी वाला तो वी वॉन्टेड आर मेन बैट्समैन टू गेट एज मेनी बॉल्स इन द मिडल एज पॉसिबल एंड वी रेस्टेड ऑल द बॉलर ये बात लाइदा कि हमारे बॉलर की एवरेज एज हमारे बॉलर्स की एवरेज एज पचास साल थी बट दिस इज वॉट वी एंड अप डूइंग हमने, humare, uh, hmm. हमने uh, सारी टीम रेस्ट करवा के आपने पूरी टीम रेस्ट करा कर आपने uh, जो मिडिल ऑर्डर है उसको थोड़ा चांस मिडिल ऑर्डर को ऊपर कर दिया तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स इट वो देखें आ, uh, सवाल तो बहुत अच्छा है uh, कि शायद आपको आप स्पेशलिस्ट आप, बैट्समैन शदाब छोड़ दें आप अगेन इंडिविजुअल्स की बात नहीं जब आपके दो आउट हुए थे पावर प्ले के अंदर तो अगर आप उस वक्त शादाब नहीं नवाज़ भेज देते टू काउंटर अटैक बिकॉज श्रीलंका न्यू ये आप टेम्पलेट कर रहे हैं उनको पता था ये हो रहा है वो क्या कर रहे थे उनको पता था कि हसा के हम ओवर जो हैं वो खुशदिल और आसिफ के लिए एंड तक रख सकते हैं अगर आप उस साइड उस टाइम पर कोई अपना वो काउंटर अटैकिंग प्लेयर भेज देते तो आप मजबूर करते उनको कि जो उन्होंने अपना टेम्पलेट सेट किया उनको चेंज करना पड़ता

आपने नहीं किया नवाज के साथ अच्छा आपने नहीं शायद आपके साथ नहीं किया ना तो इसमें भी कर लेते अच्छा मैं यहाँ पर अब एक और भी यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस की बात करते हैं बहुत ज़्यादा हम मैचअप्स की बात करते हैं तो जब देखें जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फेवरेबल मैचअप अगर एक बैट्समैन के लिए एक उसका फेवरेबल मैचअ यूज़अप होता है तो कई दफ़ा आपकी ये भी सिचुएशन होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट से कि हमारा स्टार्ट कहता है कि एक्स वाई जी के खिलाफ समवन लाइक हारिस रोफ इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव अगर वो बंदा पहले आ जाता है तो देर कुड भी अचुएशन वेयर वी आर फोर्स टू ब्रिंग हारिस इन अर्लियर टू गेट दैट पर्सन आउट इमीडिएटली तो उसमें फिर इशू ये होता है कि हम एक गैम्बल ले रहे हैं डेथ का एक ओवर कम करें हारिस राउ का यहाँ पर थिंक टैंक और प्लानिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आपने ये किया है तो पीछे आप उसे किस तरह कवर करेंगे सो तो, खाली मैचअप से एक बात नहीं बनती उस अगर आप सोचेंगे आप नवाज को वहाँ पे भेजते लेट्स हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकल सोचते नवाज को वहाँ पे भेजते नवाज ने एंड में किया सात आठ बॉलों के ऊपर नवाज जल्दी भी आउट हो जाते तो इफ्तार आके वही काम कर सकते थे जो उन्होंने किया तीन आउट के ऊपर आप कह सकते हैं कि यार विकेट्स गिर गई थी हमें संभालना पड़ा दो आउट के ऊपर अगर वो आके आउट भी होता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्टली यही होना था जो कल हुआ वो स्कोर कर जाता या काउंटर अटैक कर लेता तो पाकिस्तान वुड वुड हैव हैव बीन बीन रन रेट इन जब भी ये ली जाती हैं तो उस पे 10000 बातें क्यों होती हैं और फिर उसके बाद हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि जो चीज सक्सेसफुल थी उसको दोबारा क्यों नहीं कर रहे की कोशिश हैं हम आज लंबे लेकिन अनफॉर्चुनेटली uh, सिचुएशन ही ऐसी है मुदसर अनवर कह रहे हैं दिस इज़ वन थिंग वी लैक्ट इन दिस टीम वॉज अ स्पिन एटर क्या आपको नहीं लगता कि आज़म खान एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी इस वक्त क्योंकि अगर और आपको लगता है कि वो फेयर होगा कि हम उन्हें पुश करें वेन व्यूअर सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप एंड डू यू थिंक ही इज़ केबल ऑफ रेप्लीकेटिंग हिज पी एस एल परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर कर देते हैं एक तो ये कि क्या वर्ल्ड कप के इतने करीब चेंजेस करने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा रेवोलूशनइज करने की ज़रूरत है बाय द वे ब्रिंगिंग आजम इज इन दैट मच ऑफ अ रेवोल्यूशन बट मैं वैसे बता दूँ um, एक वो बात और दूसरी बात ये कि स्पिन हिटर को अगर बीच में डाला जाए आज़म की एक shape. चीज़ तो यह कि आजम जब पाकिस्तान के लिए खेले भी तो होना ये चाहिए कि बिकॉज आजम इज़ नॉट लेट्स बी ऑन नॉट अ ग्रेट फील्डर आजम को विकेट कीपर बना के रिजवान को आप फील्ड में रिजवान इज अ गन फील्डर लेकिन हुआ क्या कि रिजवान कीपिंग करते रहे आज़म फील्डिंग करते रहे जिसकी वजह से आपको ओवर हेड का ही मसला हुआ आपको फील्डिंग का ही मसला हुआ और फिर लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर एक प्लेयर को लॉन्ग ऑफ से दूसरी साइड पे लॉन्ग ऑफ़ पे जाना पड़ रहा है तो वो कितना थक रहा है तो दिस इन अ मैच तो इसलिए आपको वो जो फिटनेस वाली बात की जाती है वो इसलिए की जाती है दूसरी चीज़ ये कि आज़म खेले सोहेब मकसूद खेले यू नो ऑल द मिडल ऑर्डर गॉयज़ आई कितने को डेढ़ तो खिला चुके हैं पिछले तीन साल के अंदर हाउ मैनी ऑफ दैम वर गिवन कंसिस्टेंट नंबर ऑफ बॉल्स इन द मिडल आजम को आपने ड्रॉप कर दिया अब आजम मैं फिर वही बात करूँ इट्स नॉट अबाउट आजम इट्स नॉट अबाउट एनविन किसी को भी ले तो जब तक आप उनको डिवेल्प नहीं करेंगे वो डेवलप नहीं होंगे पिछले शो में स्टैंडर्ड टेम्पलेट था फ्लेक्सीबल बैटिंग ऑर्डर इस वक्त स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट मुझे रिहान कर लग रहा है ये लग रहा है वो भाई जब मिडल ऑर्डर क्लास बॉलिंग नहीं होंगी तो जो मर्जी ले कुछ नहीं होगा लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन तला हमारे क्रिकेटिंग अप्रोच हमेशा रिएक्टिव ही क्यों होती है प्रोएक्टिव क्यों नहीं होती रेट द टैक्टिकल अप्रोच ऑफ आर हेड कोच सकलैन मुश्ताक एंड वाई खुश दिल आसिफ अली लुक सो डिफरेंट लुक लाइक अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ टैलेंट इन फ्रंट ऑफ आस इन डोमेस्टिक एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल टीम्स अच्छा पहले आपकी जो uh, मैं दूसरे पर पहले चलता हूँ uh, सकलैन मुश्ताक साहब के बारे में क्योंकि एक दो और लोगों ने भी ट्वीट किया था uh, जिन सरकमस्टांसिस में सकलैन मुश्ताक साहब ने टीम का टेक ओवर किया था आपको वो भी प्लीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि उससे पहले जो रुजीम थी वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और जो सकलैन को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो रिएक्शन मिला था प्लेयर्स की तरफ से वो ये मिला था कि वे कह रहे थे कि ही इज़ मोर ऑफ अ कामिंग इन्फ्लुएंस और वो ही लेट्स द प्लेयर्स मेक अ लॉट ऑफ द डिसजन दम सो आई थिंक इनका मोर एट दिस स्टेज ज़्यादा रोल इज़ ऑफ

ह्यूमन रिलेशन के अंदर अच्छा हो तो वो टैक्टिकली भी अच्छा होगा अब होता क्या है अगर आप फुटबॉल उठाकर देख लें समय समझ लगेगा टॉमस टूकल जो अभी वो चेल्सी से निकले हैं टोखल हैज़ ऑलवेज हैड ट्रबल डीलिंग विद इंडिविजुअल्स ऑन इन पर्सनल रिलेशनशिप्स का उसका मसला होता है तो हमेशा एक बंदा रखता है जो उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ डील कर सके सिमिलरली अगर आप कोई और कोचेज़ की तरफ जाए एलेक्स फर्गसन ऑलवेज़ यूज टू हैव अ गुड टैक्टिशन विद हिम जो जो टैक्टिक्स के ऊपर काम Because करता है। तो ये कि एक ही बंदा सब कुछ करे या एक ही बंदा जो है वो सब कुछ करे। I think that is a little flawed. और अगर आपने टीम का बेहतर करना है तो सकलैन मुश्ताक जो कि ये काम कर रहे हैं उनके साथ आप एक ऐसा बंदा रख सकते हैं जो टैक्टिकली आपको जो है वो अवेयर करे और आपकी टीम के साथ एक टैक्टिकल प्लान बनाए विच कैन है कि will not be continuing after the T20. वर्ल्ड कप रिहान थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस एंड ऑल्सो फॉर योर रैंट्स क्योंकि जब आप बाद में ये क्लिप्स देखो एहसास होकर कई जगहों पर हम दोनों रैंट करें लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा हम अपने अगले शो में थोड़ा सा नेशनल टी ट्वेंटी की तरफ भी नज़र डालेंगे हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पाकिस्तान की इनिशियल स्क्वाड अनाउंस होगी उस पर बात करेंगे और मैं एक और बात आपको बताता चलूँ हम भूले नहीं हमने पी एफ एफ से कुछ सवाल पूछे हुए हैं अभी तक पी की तरफ से जवाब नहीं आया नाव वी विल राइट फॉर्मली टू द चेयरमैन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कमेटी क्योंकि उनके और तो कोई ऑफिसर अब रिप्लाई नहीं रहा। वी विल राइट टू हिम डायरेक्टली एंड इन्वाइट हिम टू दिस शो अगले शो तक के लिए हमें इजाज़त दें खुदा हाफिज़